चलो क्या हुआ? अरे शिखा वो देखो ना, वो आदमी हमारी गाड़ी के साथ बैठ के खाना खा रहा है। तो तुम देख क्यों रहे हो? हटाओ उसे वहाँ से। अरे शिखा वो आदमी खाना खा रहा है, उसे खाने दो, हम 10 मिनट बाद चल देंगे। और वैसे भी तुमने सुना होगा ना, कोई आदमी खाना खा रहा हो ना तो उसे उठाना नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कुछ भी बोले जा रहे हो, तुम्हें पता नहीं है कि गाड़ी गंदी कर देगा वो, हटाओ उसे। और वैसे भी हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं पार्टी के लिए। अरे शिखा सिर्फ 10 मिनट की बात है, हम 10 मिनट में लेट नहीं हो जाएंगे। और तुम खुद को देखो ना, तुमने पूरे 2 घंटे लगाए रेडी होने में। तुम वो सब छोड़ो, और एक बात बता दो तुम्हें, मैं अच्छे से जानती हूँ लोगों को, इसे अच्छे से पता है, हम आएंगे हमसे भीख मांग लेगा, कमाने का नया तरीका ढूंढ लिया इन्होंने। देखो तुम हटाओ उसे वहाँ से, मैं लेट हो रही हूँ ऑलरेडी। शिखा तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं क्यों गुस्सा कर रही हूँ? तुम उस भिखारी की वजह से मुझसे लड़ाई कर रहे हो और मुझे से कह रही हो मैं गुस्सा कर रही हूँ। शिखा मैं लड़ नहीं रहा हूँ तुमसे, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि 10 मिनट की बात है, उसे खाना खाने दो फिर चलते हैं ना। ठीक है, तुम यही चाहते हो ना कि वो आराम से बैठ के खाना खा ले, तो कोई बात नहीं, उसे खाने दो खाना, मैं भी कहीं नहीं जा रही, मुझे जाना ही नहीं पार्टी में, हम यही खड़े रह के ना उसे देखते हैं। ठीक है, ये लो, उसने खाना भी खा लिया और वो चल दिया। अब चले? क्यों, अब क्यों जाना, मुझे कहीं नहीं जाना। अरे यार तुम मेरे से बहस क्यों कर रही हो? किशन तुम्हारी ना हमेशा की दिक्कत है, तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, अपने बारे में नहीं। शिखा सोचना पड़ता है दूसरों के बारे में भी। अब चले? तो ठीक है, तुम दूसरों के बारे में सोचो, मुझे जाना ही नहीं है कहीं। शिखा शिखा मेरी बात तो सुनो। अरे क्या हुआ शिखा, ये उतरा हुआ चेहरा लेके जाएगी क्या पार्टी में? मेरा मुंह तो ऐसे ही रहेगा, तुम्हें चलना है तो चलो वरना तुम्हारी मर्जी। अच्छा भाई होगी यार मेरे से गलती, सॉरी। अब चले? ठीक है चलो चलो चलते हैं। हाँ निखिल क्या हुआ? कृष्ण तू ठीक है? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तू सही सलामत है। मैं तो ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ? तुझे पता है तू जिस रास्ते से जाता है ना, अभी वहां का पुल टूट गया और उसमें 50 लोग मरे हैं। मुझे तो तेरी फिक्र हो रही थी, मैंने तेरा फोन भी ट्राई किया पर तेरा फोन लग नहीं रहा था, शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं जल्दबाजी में यहाँ पे आ गया तुझसे मिलने, तेरा हाल चाल जानने। चल भगवान का शुक्र है कि तू सही सलामत है, पर हाँ एक काम करना, उस रास्ते से मत जाना, तू ना कोई दूसरा रास्ता लेना क्योंकि वहाँ पुलिस ने वो रास्ता ब्लॉक कर दिया। ठीक है? ठीक है भाई, मैं अपना ध्यान रखूंगा। थैंक गॉड हम बाल बाल बच गए, अगर हम टाइम से निकल गए होते तो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। ये तो शुक्र है उस भिखारी का, अगर हमने उसे हटा दिया होता तो कुछ भी हो सकता था हमारे साथ। सच कहते हैं शिखा, ना जाने किस रूप में आकर नारायण मिल जाएंगे, यूं समझ लो उस भिखारी के रूप में खुद भगवान आए थे हमें बचाने के लिए। अगर हमने उस भिखारी को हटा दिया होता तो ना जाने हमारे साथ क्या होता। तुम सही कह रहे हो। एक काम करते हैं, अब पार्टी में चलते हैं, पर हाँ आते टाइम ध्यान रखना, मंदिर में मत्था टेक के जरूर आएंगे। ठीक है।